नमस्कार, खम्मा घणी, राम राम साहब। भारत के बारे में कहा जाता है कि कभी यहाँ दूध और दही की नदियां बहती थी। इस बात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी हमारा देश दुग्ध उत्पादन में पूरी दुनिया में सबसे पहले स्थान पर आता है। श्वेत क्रांति के बाद यह अव्यवस्थित व्यवसाय व्यवस्थित होने लगा और दुग्ध उत्पादन में नए नए कीर्तिमान स्थापित होने लगे। बाजार में जहां एक तरफ गाय और भैंस के दूध ही उपलब्ध थे, वहां अब कैमल मिल्क, ए2 मिल्क, बकरी का दूध की मांग भी बढ़ने लगी। दूध में मिलावट के चलते अब डेयरियों को देख परख कर लोग दूध लेने लगे हैं और दूध का व्यवसाय अब और भी फैलने फूलने लगा है। आज के एपिसोड में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारी इस मुहिम में हमारे सहयोगी, हमारे सहभागी हैं समाधान टेक्नो खेती, जो लगातार किसानों की मदद कर रही है। आपको भी यदि इस संदर्भ में कुछ बात करनी है, किसी शंका का समाधान करना है, तो आप 0141-451-5103 पर फोन करके हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं। राम राम साहब, जी हाँ, दूध के व्यवसाय में क्या नए कीर्तिमान स्थापित किए जा सकते हैं, क्या इसका भविष्य है और क्या इस समय पर किसानों को इसकी जरूरत है, किस प्रकार से हम हमारे जो पशु हैं उनका लालन पालन करें, इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमानों को बुलाया है। उसमें सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा सुरेंद्र अवाना जी से, जो कि इस समय पर एक डेयरी को संचालित कर रहे हैं। पेशे से एक शिक्षक हैं, उन्होंने अपनी एक स्कूल प्रारंभ की थी, लेकिन स्कूल प्रारंभ करने के बाद, स्कूल को अच्छी तरह सेटल करने के बाद, इन्होंने गोपालन को अपनाया और गोपालन के बाद इन्होंने डेयरी उद्योग में नए आयाम स्थापित किए। इन्हीं के साथ में हमारे साथ में इस समय बैठे हुए हैं लक्ष्मण देवासी, जो कि बिल्कुल परंपरागत तरीके से ऊँट का पालन करते हैं और ऊँट के दूध को जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में भेजते हैं। आज हम इन दोनों से यही बात करना चाह रहे हैं कि एक तरफ हमारे एक्सपर्ट हैं जो कि व्यवस्थित रूप से इस काम को कर रहे हैं और दूसरे हमारे एक्सपर्ट हैं जो कि परंपरागत तरीके से अव्यवस्थित रूप से लेकिन दूध का सप्लाई कर रहे हैं पूरे जयपुर में, और दोनों के पास ही अच्छी डिमांड्स हैं, दोनों के पास ही समय और जो जिसे कहते हैं पूर्ति करने के लिए समय और साधन कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है। सबसे पहले सुरेंद्र जी के पास आते हैं। सुरेंद्र जी, आपने स्कूल प्रारंभ किया, स्कूल का काम आपका काफ़ी अच्छा चल रहा था, फिर आपको क्या जची कि आप गोपालन के क्षेत्र में आए? राम राम साहब, मैं बचपन से ही पशुपालन का घर में आसपास देखता था, तो खास तौर से गाय में, गाय पालने का शौक था, और लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि परिवार का पालन पोषण, फिर शादी हुई, बच्चे हुए जी, उनकी शादी की, जब फ्री महसूस करने लगा तब अब मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरा मन था वो कार्य प्रारंभ करें जी, यही सोच के मैंने एक सेवम डेयरी की स्थापना की जी, और देसी गिर नस्ल की गाय। कौन सा वो क्षण था जब आपने सोचा कि मैं देसी गिर नस्ल की गाय को ही पालन करूँगा और उसका दूध ही मार्केट में बेचूँगा? 12 दिसंबर 2016 को जी, मेरे फार्म पे पहले प्लांटेशन ही करते थे जी, फिर धीरे धीरे जाते हुए मेरे मन में रहा कि अब मैं कुछ फ्री सा हूँ, अगर डेली यहाँ आ पाऊँगा, समय दूंगा तो ही डेयरी की स्थापना करूँगा और देसी नस्ल की गाय लाऊँगा जी। फिर मैंने रिसर्च किया कि भारत में और राजस्थान में कम से कम 10-15 तरह की ब्रीड हैं, नस्ल हैं जी, जो देसी गाय हैं जी, लेकिन मैंने गिर नस्ल को ही इसलिए चुना कि एक तो ये सबसे शांत स्वभाव की है जी, नंबर दो ब्राज़ील के साइंटिस्टों ने भी इस पर रिसर्च किया था जी, कि इसमें ब्रीडिंग दूध बढ़ने की कैपेसिटी इस गाय में ज़्यादा है, इसके दूध और गौमूत्र की क्वालिटी भी अन्य देसी से ज़्यादा है, यही सोच के मैंने भी इस नस्ल का चुनाव किया और 12 दिसंबर 2016 को 2 गिर नस्ल की गाय सबसे पहले लाया जी। उसके बाद आज मेरे फार्म पे छोटी बड़ी गाय बछड़ी सब मिला के 165 गौमाता बच्चे हैं। और कहाँ इनका जो दूध है वो आप किस तरफ सप्लाई करते हैं? दूध मेरा फार्म जयपुर से 50 किलोमीटर दूर है जी, तो बड़ा मार्केट जयपुर में ही है जहाँ कीमत भी ठीक मिले जी, अगर कीमत
डेयरी वाले तो 25 रुपए देते हैं, 25 रुपए में तो उनके चारे पानी का ही नहीं होगा, लेबर का नहीं निकलेगा। जी हाँ, जी तो वो मेरा दूध अभी जयपुर आ रहा है जी, जयपुर में 70 रुपए किलो दूध बिक रहा है जी, और 1500 रुपए केजी घी गिर गायों का बिक रहा है। जैसे आप कर रहे हैं ठीक उसी तरीके से, क्योंकि आप तो खुद अध्यक्ष भी हैं इस एसोसिएशन के, और भी कई लोग हैं जो कि जयपुर में इस तरह की डेयरीज लगाए हुए हैं और होम डिलीवरी भी देते हैं, तो क्या लगता है उसके बावजूद भी इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है? हाँ जी, अभी आप किसी भी चैनल पे देख लो, किसी भी अखबार में देख लो जी, कि जो जर्सी और HF गायें हैं जी, उनकी दूध की क्वालिटी हल्की है जी, और लंबे समय तक आप उसको दूध को यूज़ करोगे तो वो एक तरह से स्लो पॉइजन है जी। तो उसके बाद प्रचार प्रसार के बाद जब दूध की ऑटोमेटिक डिमांड शुरू हुई, तो जब मेरे को अध्यक्ष बनाया गया गोपालन विभाग द्वारा जी, तो इनके सारे राजस्थान के 5 जिलों में मेंबर थे, तो सब हम अजमेर में इकट्ठे हुए जी, तो जो अच्छे पशुपालक हैं उन सब से मेरा परिचय हुआ, और करीब करीब वो कस्बों के आसपास ही हैं। इस समय 50 रुपए से लेके और 100 रुपए तक बहुत से पशुपालक हैं जो दूध बेच रहे हैं जी, और इतनी डिमांड है कि हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। खास तौर से मेरे पास रोज एवरेज 1-2 फोन आते हैं कि साहब हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, लेकिन मतलब जिस दिन पेपर में पढ़ते हैं कि आज मिलावटी दूध पे छापा पड़ा और मिलावटी दूध पकड़ा गया, उस दिन आपके पास 2-4 फोन ज्यादा आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ लक्ष्मण देवासी जी भी मौजूद हैं। लक्ष्मण जी, पहले कहा जाता था कि ऊँट का जो दूध है वो आप बेच नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें बहुत जल्दी खराब हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं या और भी वो खराब हो जाता है, फिर अब इस समय पर अचानक से दूध बिकने लगा है, आप खुद भी काफ़ी सारा सप्लाई करते हैं, क्या कारण है? सर ये कीड़े नहीं पड़ते जी, हमारे समाज में एकता थी दूध को बेचना, कानून हमारे समाज में थी कि कोई भी दूध को नहीं बेचेगा जी, ना कोई किसी को देगा ना किसी को बेचेगा जी। तो हम अगर कोई आता था भाई किसी के गड़बड़ कुछ भी तबीयत खराब है तो उसी को वही पिलाते थे, ले जाने नहीं देते थे जी, उसको कह देते भैया पी ले, वरना एक कफ भी आगे नहीं देंगे, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं जी, ये हमारी घृणा थी जी, और कीड़े वीड़े कुछ नहीं पड़ते हैं सर। अच्छा, ये आप ही लोगों ने एक बनाई हुई थी हमारे समाज को दूध देना नहीं है बाहर नहीं देना, हमारे समाज के और कोई नहीं था, हम समाज में एकता थी पहले। तो फिर ये परिवर्तन कैसे आया कि आप लोग बेचने लगे दूध को? सर ये परिवर्तन ऐसे आया कि कई लोगों ने हमारे घर पे गए शहर से जाके, यार ऊँटनी का दूध चाहिए, मैंने कहा भाई क्या काम है, अरे के भाई साहब आधा लीटर दे दे। तो हम लोग पहले पहले जाते थे तो पहले बाहर नहीं देते, उसको वहीं पिला के बेचते थे, लेकिन धीरे 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 हमारे पास पब्लिक ज्यादा जाने लग गई। तो जैसे कई आदमी लोगों में अवेयरनेस आई, लोग आपके पास पहुंचने लगे, और फिर आपने सोचा कि जब लोगों को देना ही है तो क्यों ना उसे व्यवसाय के रूप में। तो सर वो क्या है कि गाड़ी लेके जाते थे, फिर वो हमारे को कि यार भाई साहब आप दे दो, आपका पेट्रोल हम देंगे, किराया आप देंगे, आप वहाँ हमारे जयपुर आके हमारे को दे दो। जैसे एक बार आया तो दूसरा हो गया, दूसरा होते तीसरा हो गया, ऐसे धीरे 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 हमारे पास गाँव में डायरेक्ट वहीं जाने लग गए ग्राहक जी। लक्ष्मण जी एक बार रोकना चाहूंगा, एक दर्शक हैं जो इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप लोगों से बात करना चाहते हैं जी। राम राम साहब। राम राम साहब जी। दिनेश चौहान रामदेवरा से जी। दिनेश जी कैसे हैं आप? सर मैं एकदम अच्छा हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है सर जी। बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमें फोन कर रहे हैं, रामदेवरा से हमें फोन कर रहे हैं जी। पूछिए क्या जानना चाहते हैं। कौन सी नस्ल की गाय का दूध अच्छा रहता है जी? हाँ, इसके जवाब देने के लिए हमारे साथ आज बहुत अच्छे एक्सपर्ट मौजूद हैं। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए उनकी बात का, कौन सी नस्ल की गाय का दूध अच्छा रहता है? देखिए देसी गाय कोई सी भी हो, सभी देसी गायों का दूध अच्छा होता है जी, और राजस्थान में 5-6 नस्ल हैं, गिर है, थारपारकर है जी, साहिवाल है जी, राठी है अपनी नागौरवाली है, ऐसे करीब 8-9 ब्रीड हैं जो राजस्थान में, टोटल इंडिया में 13-14 ब्रीड हैं जी, सभी का A2 मिल्क है और अच्छा है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कौन सी ब्रीड है वो नस्ल सूट करती है। सुरेन जी यहीं से एक प्रश्न जो दूसरा शुरू होता है, जो कि आम आदमी के लिए बड़ी समस्या वाला प्रश्न है, वो पढ़ लेता है टीवी में देख लेता है A2 मिल्क पीना चाहिए, A1 A2 मिल्क क्या है, मैं चाहूँगा इसे भी आप लगे हाथों समझा दीजिए। देखिए ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, इसके ऊपर तो समझ चाहिए जी, लेकिन फिर भी मोटा मोटा ये है जी हाँ, कि जो जर्सी गाय और HF गाय हैं इनका
A1 मिल्क है जी, और देसी नस्ल की जितनी भी गायें हैं वो भैंस इनका है A2 मिल्क है जी। और पुराने समय में हमारे शास्त्र और साधु संत कहते थे कि देसी गाय पालो, देसी गाय का दूध और उसके बाय प्रोडक्ट यूज़ करो जी। लेकिन 25 साल पहले 30 साल पहले जब ये ब्रीड विदेशी आई जी और इनका दूध ज़्यादा भी था तो एक भेड़ चाल सी हुई कि किसान सब उन गायों को लाने लगे जी हाँ। और किसी ने भी उनका, हमारे साधु संतों का और शास्त्रों का कहना नहीं माना। अब वही न्यूजीलैंड और यूरोप के साइंटिस्टों ने ही ये A1 और A2 डिफाइन किया है और उन्होंने कहा है कि ये A1 है और ये A2 है। अब हम भारतीय भी देसी गाय की तरफ रुझान हमारा बढ़ा है जी। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो पुरानी तकनीक थी उस पुरानी तकनीक को छोड़ने के बाद हमें कोई खास फायदा नहीं हुआ, बल्कि हम तरह तरह की बीमारियों में घुसते चले गए, चाहे वो जैविक खेती हो, चाहे वो इस तरह के दूध, देशी और विदेशी गाय के दूध की बात हो, हम नई नई बीमारियों में ग्रसित होते चले गए और आखिर आज हम वापस उसी दिशा में वापस मुड़ रहे हैं जो हमारी तकनीक थी, जिसे लोगों ने, विदेशों ने माना, उसके बाद हम उसी तकनीक को वापस अपना रहे हैं। जी हाँ, जिन लोगों ने अपना टेलीविजन सेट थोड़ा सा लेट ऑन किया है उन लोगों को हम बता दें कि आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं और वो महत्वपूर्ण विषय है कि किस प्रकार से हम गायों का लालन पालन करें, किस प्रकार से हम अपने डेयरी उद्योग को चलाएं, जिससे कि आप जो हमारे किसान लोग हैं और जो पशुपालक हैं वो उससे और आमदनी कमा सकें, जो कि इस समय काम कर रहे हैं उससे थोड़ा सा और आमदनी कमा सकें। अगर आपका भी इस संदर्भ में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो आप हमें 0141-451-5103 पर फोन करके ठीक उसी प्रकार हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं जिस प्रकार एक दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जी राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम साहब जी। जी मैं ये कहना चाह रहा था सुरेंद्र अवाना जी को जी कि वो जयपुर में जिस तरह से प्रोग्राम चला रहे हैं वो बहुत अच्छा है। मैं टीवी पे देख के ऐसे लग रहा था कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं वो जी। तो ऐसा वो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे अलवर है, बैरोड है, हमारे शेखावाटी है जी, मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम जो अलवर या बहरोड या जो शेखावाटी है या बीकानेर में इस तरह के प्रोग्राम को प्रोत्साहित करने के लिए अवाना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो किसानों को महीने में एक दो ऐसे प्रोग्राम चलाते रहें। जी हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं अभी टीवी के सामने बोल रहा हूँ, मैं बैरोड अलवर से बोल रहा हूँ। बैरोड अलवर से बोल रहे हैं जी, जी बहुत, हाँ। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने बात की। सुरेंद्र जी आपसे बात करना चाहते हैं, आप बात कीजिए उनसे। देखिए किसान भाई जी, मेरे यहाँ गिर ब्रीड की नस्ल की गायें हैं जो राजस्थान में मुख्य रूप से, मूल रूप से तो ये गुजरात की है, और जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और चित्तौड़, ये पांच जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं, क्योंकि ये गुजरात के लगता हुआ एरिया है, क्लाइमेट गुजरात का यहाँ का मिलता जुलता है। तो यहाँ के इन पांच जिलों के तो मेंबर जो भी गिर एसोसिएशन के बने हुए हैं वो मेरे से जुड़े हुए हैं, वो मेरे फार्म पर भी आते हैं, मैं भी उनके पास जाता हूँ और फ़ोन से जो भी है उनकी मदद करता हूँ। रासवाल, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, गंगानगर, इधर गिर नस्ल की गायें हैं नहीं, उधर साहिवाल हैं, राठी हैं, और आपके जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में थारपारकर हैं, वहाँ भी थारपारकर की एक एसोसिएशन बनी हुई है। तो नॉलेज तो दूसरी ब्रीड की भी है मुझे, और कोई अगर भाई बुलाना चाहता है तो मैं हर्ष आऊँगा, और मेरे फार्म पर भी आप पधारें, सबका स्वागत है। और ब्रीड कोई सी भी हो, एक जो उसका संचालन करने का है, उनका रहन सहन, खान पान, चारा, ये चीज़ें कॉमन मिलती जुलती सी है, और दूध की क्वालिटी, घी, ये भी मिलता जुलता है, इसलिए आपका सवाल अच्छा है और जब भी आप बुलाएंगे मैं सहरसा आऊँगा। जी हाँ, गाय हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, गाय हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इसका पालन, इसका लालन पालन और इसका संवर्धन संरक्षण बहुत जरूरी है। इसी बीच एक और दर्शक है जो इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, बात करना चाहते हैं हमसे। जी राम राम साहब। राम राम सर। राम राम सर जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं कैल हेलो जी, मैं कैलाश गुजर बिजलाव से जी। बोलिए, बहुत बहुत आभार आपका, आप इतनी दूर से हमें फोन कर रहे हैं, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मैं अवाना जी से पूछना चाह रहा हूँ कि ये नस्ल की गायों की कीमत कितनी लगभग होती है? आप समझ पाए कुछ? हाँ जी, कीमत के बारे में पूछ रहे हैं जी। देखिए कीमत तो ब्रीड और मिल्क पे डिपेंड करता है, गाय की नस्ल कितनी प्योर गिर है और उसका दूध कितना है जी। जैसे अपने राजस्थान में अगर एक टाइम का 8 लीटर है, दोनों टाइम का 16 लीटर दूध है, और वो अगर 70-80% ब्रीड वाइज अच्छी है तो लगभग दूधू, किशनगढ़, आपके भीलवाड़ा, मालपुरा, इन तहसीलों में
ये 60 से और 70 के बीच में मिल जाएगी जी। और मैं भी मेरे फार्म पे ज़्यादातर इसी रेंज की लाया हूँ और ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं। उसके बाद आप बुल अच्छा रखो, सीमन अच्छा रखो, तो तीसरी पीढ़ी में जो 16 लीटर वाली है उसके 22 लीटर तक दूध हो जाएगा, और ब्रीड वाइज जो 70-80% है वो ओरिजिनल 100% गुजरात में जो गिर हैं वैसे की वैसे गिर हो जाएगी। लक्ष्मण जी, अभी आप सुन रहे हैं किस प्रकार से सुरेंद्र जी ने इस जो पशुपालन है इसे बहुत ही व्यवस्थित ढंग से करके और काम शुरू किया है, और यहाँ तक कि आप देख रहे हैं कि लोग भी उनसे बात करके उन्हें अपने क्षेत्र में बुलाना चाहते हैं जिससे कि वो भी इस काम को अच्छे से कर सके। आपने जब दूध बेचना शुरू किया, आपने बताया कि पहले 1-2 लीटर दूध जाता था, अब क्या स्टेज है, कहाँ कहाँ आप दूध बेच रहे हैं और कितना दूध आप बेच पाते हैं? सर, अब इतनी डिमांड है कि कई लोग हमारे घर ही चले जाते हैं, जैसे मैं नहीं पूछ पाता हूँ ना जी, तो कई लोग हमारे घर पहुँच जाते हैं, वहाँ से निकलवा के लाते हैं जी। फिर वो नंबर कॉन्टैक्ट नंबर देके यार हमारे वहीं पहुँचा देना। ऐसे करते 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 मैं पूरे जैसे जयपुर, अजमेर गेट, रेलवे स्टेशन, कई लोग है। फिर मैं बोला भाई किसी का फायदा भी हो रहा नहीं हो रहा, जो कई लोग है आज भी या वीडियो में आने के लिए तैयार थे वो जी, वो बोल रहे थे कि भाई साहब या तो हमारे को फ़ोन करना या हमारे को वहाँ बुलाओ। तो किस तरह के जो आपको आपके पास लोग बीमारी के काम, जब कोई किसी को बीमारी में डॉक्टर रिकमेंड करता है तभी ऊँटने के दूध की याद आती है, हाँ किस तरह की बीमारियों के बारे में बात बताते हैं लोग आपको कि ये काम है ये? सर, अब कई लोग तो जैसे 2-4 आदमी है अभी आने के लिए तैयार है, इस टाइम भी फोन आ रहा है। कौन सी बीमारी के बारे में बताते जैसे हैं? वो कई लोग ये कह रहे हैं भाई शुगर में फायदा हुआ हमारे जी, और सुनील खन्ना जी है जी, उनके भी वो भी बोल रहे हैं भाई हमारे शुगर में बहुत फायदा हुआ है जी। तो आज मैंने सुबह बात की, मैंने कहा सर कि मेरे को याद करना है यार बीडिया साहब, वो वहीं मैं भी चलूं जी जी जी। तो मैंने कहा सर, और इसके अलावा और कौन सी बीमारियां हैं? जैसे ये बच्चे के पेट में कीटाणु पड़ जाते हैं ना मिट्टी खाने से, हुँ। इनको पिलाओ ऑटोमेटिक कीटाणु खत्म हो जाते हैं। और बाहर भी भेजते हैं दूध आप? हाँ सर, बाहर भेजता हूँ। कहाँ कहाँ भेजते हैं? जैसे ऑर्डर आता है मेरे को तो बच्चे जानते हैं जी, मैं तो मोबाइल चलाना जानता नहीं हूँ जी, तो आजकल ये ऑनलाइन का सिस्टम हो रहा है जी। अच्छा, ऑनलाइन दूध बेचने लगे हैं आप? हाँ, अब आजकल बेचने लगे सर, पहले तो नहीं बेचते थे। लक्ष्मण जी, एक बार रोकना चाहूंगा, एक दर्शक है इस समय जो बात करना चाहते हैं आप लोगों से। जी राम राम सा। राम राम सा जी, माता दीन बोलूं सीकर से। माता दीन जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, बस बढ़िया है साहब, सब भगवान की दया से जी। बहुत बढ़िया, पूछिए प्रश्न पूछिए। मेरा सवाल हो कि जी आपने गार्डन का बीमा करावा जी, और वो जानवर मर जाए जी, जनाब का बीमा का पैसा क्या मिले? सुरेंद्र जी देखिए, जिस कंपनी से आपने बीमा कराया है उस कंपनी के आप ऑफिस में सबसे पहले तो आपका जो नज़दीकी हॉस्पिटल है उसके माध्यम से हुआ है बीमा जी, तो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब हैं उनसे आप संपर्क करो, वो वहाँ फ़ोन करेंगे, उनको सूचना देंगे इंश्योरेंस कंपनी को, वो आके आपकी गाय के टैग नंबर और गाय को देखेंगे, वो 2-3 घंटे में आ जाते हैं जी, और आने के बाद उनकी रिपोर्ट जब जाएगी तो मैंने 20 दिन में वो आपके अकाउंट नंबर लेते हैं, उसमें चेक आ जाता है जी। तो आप जब ये गोशा मतलब जब इस तरह की डेयरी करते हैं तो उसमें भी सारी गायों का बीमा वगैरह करा के रखते हैं या कराना चाहिए? देखिए ये जो देसी गाय है जी, ये जैसे मेरे फार्म पे भगवान की दया से अभी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई जी, 2 साल 4 महीने में जी। हाँ, तो ये पशुपालक पे डिपेंड करता है कि आप उसका रख रखाव कैसे है, चारा पानी कैसे है। बाकी सर्दी और गर्मी दोनों टेम्परेचर में ये रफ टफ गाय है, 45 टेम्परेचर तक बिल्कुल भी नहीं हाँफती है न बीमार होती है। ऐसे ही सर्दी में थोड़ा सा बस आप हवा अगर ठंडी चल रही है तो उसका बचाव कर दो तो बीमार नहीं होगी, तो ये कैजुअल्टी भी डेथ भी नहीं होगी। तो मैं तो इस फेवर में हूँ, हालांकि मैंने बीमा करवा रखा है जी, लेकिन देसी गाय का अगर आप नहीं भी कराएं तो भी काम चल सकता है जी, और अगर आप करवाना चाहें तो भी बहुत अच्छी बात जी। हाँ, करवाएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, और नहीं भी करवाएं तो देसी गाय सर्वाइव कर जाती है हमारे इस वातावरण में अगर उसे ढंग से लालन पालन किया जाए। सुरेंद्र जी, अगर कोई व्यक्ति डेयरी शुरू करना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और कितनी गाय के साथ स्टार्ट करना चाहिए उसे? देखिए देसी गाय की डेयरी प्रारंभ करने से पहले उसके साथ 3 तरह के एक तरह से चैलेंज आते हैं जी, या 3 तरह का दिक्कत आती है जिसका उसको किसान भाई को सामना करना पड़ता है जी।
पहला चैलेंज तो ये है कि उसको ब्रीड चयन के बाद कहाँ से वो अच्छी गाय खरीदे जी। वो जहाँ जहाँ उपलब्ध है अच्छी गाय वहाँ से गाय खरीद ले। नंबर दो फिर उसका है रख रखाव मैनेजमेंट जी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लोग बाग आजकल पढ़े लिखे लड़के शोक शोक में कि देसी गाय लाएंगे पालेंगे इतना किलो इतने रुपए किलो दूध बिकेगा इतने रुपए किलो ले आते हैं, लेकिन उनका मैनेजमेंट बड़ा पुअर रहता है जी। और मैनेजमेंट में वो संभाल नहीं पाते हैं तो उनको नुकसान होता है। तो इसलिए नंबर दो मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए, और नंबर तीन मार्केटिंग जी। अगर आपके बड़े शहर के आसपास आपका फार्म है डेयरी है तो आप बड़े शहर में आप 50 से लेकर 100 रुपए तक दूध बेच सकते हैं जी। और 50 से 100 रुपए बेचेंगे तभी आप इनके अच्छा हरा चारा दे पाएंगे, अच्छा दाना दे पाएंगे और लेबर की सैलरी निकाल पाएंगे और कुछ रुपए बचा भी पाएंगे। तकनीकी का योगदान जो डेयरी उद्योग है उसमें तकनीकी का कितना योगदान है? लोग आजकल पसंद करते हैं कि वो जाके फॉर्म देखें, डेयरी फार्म देखें और वहाँ पे देखते हैं कि मशीन से दूध निकल रहा है, बिल्कुल संक्रमण बिल्कुल नहीं है, हाथ नहीं लग रहा। कितना योगदान है इस सब चीज़ का, इसके बाद कितनी मांग बढ़ती है? देखो अब वर्तमान युग में तो है ही तकनीकी का युग जी। अगर आपका दूध हाइजीनिक होगा जी, ऑर्गेनिक होगा तो आपको कीमत उतनी अच्छी मिलेगी। तो जो भी किसान भाई प्रारंभ करते हैं शुरू में 2-4 गाय लिए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि 6 महीने के अंदर अंदर कम से कम 20 गाय तक उसको ले जाएं जी। और उनका शेड अच्छा हो, अच्छा मीन्स सस्ता तो हो लेकिन साफ सुथरा हो, साफ सुथरा हो, कंफर्टेबल हो उनके लिए। पानी जैसे पुराने टाइम में किसान भाई क्या करते हैं, सुबह उसको खोली और चराने के बाद पानी पिला दिया जी, शाम को पिला दिया। आदमी को जब प्यास लगती है दिन में 4 बार पानी पीता है तो पशुओं को भी 3-4 बार इच्छा होती है। इसलिए जो पानी का स्थान है जिसको खेड़े भी कहते हैं वो गाय के उस बाड़े के अंदर ही होनी चाहिए, जब उसको प्यास लगे तब वो पानी पी ले। सर्दियों में तो आप 2 बार पिला दो, गर्मियों में तो 3-4 बार चाहिए जी। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल सही वो भी बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। सुरेंद्र जी एक और दर्शक है इस समय जो बात करना चाहते हैं आपसे जी। राम राम सा। राम राम सा जी। मेरा सवाल ये है अवना जी से जी, जो ये गिर गाय है इसका फैट प्लस हाईएस्ट कितना चल जाता है? इसका फैट कितना चला जाता है? फैट देखिए 4.25 से लेके 4.5 तक हाईएस्ट 4.5 तक है। गिर का भी और देसी का भी लगभग समान सा ही है जी। एक टाइम आता है शुरू में ब्याती है जब फैट कम होती है, फिर दूसरे तीसरे महीने के आसपास उसके बाद थोड़ी सी फैट बढ़ जाती है। हाईएस्ट 4.5 तक रहती है और 4.5 से के लगभग फैट होती है तो बहुत अच्छी होती है, उसमें घी की मात्रा। लक्ष्मण जी, आप उस पीढ़ी को भी देख चुके हैं जिस पीढ़ी में ऊंट के दूध को बेचा नहीं जाता था, बाहर निकाला नहीं जाता था, और अब आप उस पीढ़ी के साथ भी हैं जो इस दूध को ऑनलाइन बेच रही है। क्या आपके बच्चे आपके साथ हैं, क्या कर रहे हैं आपके बच्चे? अब सर बच्चे पढ़े लिखे हैं जो ऑनलाइन पे ऑर्डर आ जाते हैं तो बेच देते हैं, जिसे अभी बस में रख के आए जी, तो बस वाले पेमेंट खाते में डाल देते हैं जी और वो वहाँ दूध ले लेते हैं। अभी फोन आया कि हमारे फायदा हुआ, कई लोग कह रहे हैं हमारे फायदा हुआ। कल भी मेरे घर गए हैं 2 लोग जी, जयपुर से सांगानेर से, कि यार हमारे को दूध दे उठने का 2 किलो। मैंने कहा क्या करोगे, मिलने वाले थे कोई मिलने वाले से कि नहीं हमारे को तो चाहिए, तो कल तो ले आए वो, अब आज अभी फोन आ रहा है कि कल से आप वहाँ मेरे घर पे ही दे दो। मतलब लगातार बढ़ती जा रही है आपकी डिमांड, आपके दूध की डिमांड, और आपको लगता है कि बच्चे इसी व्यवसाय में आएंगे और इसे और अच्छे से चलाएंगे। जी हाँ, जैसा कि हमने बताया कि आज हम चर्चा कर रहे हैं दूध पर, जी हाँ, गिरगाय के दूध पर, ऊँटनी के दूध पर, और दूध से संबंधित किसी भी तरह का सवाल आज आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, बात करना चाहते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। जी राम राम सा। राम राम सा जी। जी मैं गिरगाय से जो हम उत्पादन कर रहे हैं दूध का और घी का जी, तो मेरी जानकारी का प्रश्न है घी से संबंधित, जैसे गिरगाय का घी अभी बहुत प्रसिद्धि पाया हुआ है जी, तो अगर हम उसको करें तो किस किस लेवल पर हमको फायदा हो सकता है और क्या तरीके अपनाए जाने चाहिए? आप उसका उत्पादन करना चाहती हैं घी का? हाँ, अगर हम ये डेयरी फार्मिंग में जाते हैं और हमारा उद्देश्य अगर घी भी बनता है तो। कहाँ से बोल रहे हैं आप? कोटा से। कोटा से बोल रहे हैं सुरेंद्र जी। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जी कि देसी गाय क्या अगर हरा चारा टाइम पे दे रहे हो, पूरा बांट दे रहे हो, तो इसका 12 महीने ही दूध की क्वालिटी अच्छी रहेगी और इसका
जैसे मेरे यहाँ है 15 तरह का हरा चारा है और पूरा ऑर्गेनिक फार्म है जी, तो जो मेरे फार्म पे आ गया वो तो दूध और घी की डिमांड करता है जी। तो आप भी इस तरह से अगर देसी गाय पालना चाहते हो, गिर नस्ल की या कोई सी भी हो, तो आपका अगर दूध हाइजीनिक और ऑर्गेनिक होगा तो आपको मुंह मांगे पैसे मिलेंगे, आप कर सकते हो ये काम। और कुछ लोग हैं दूध कम देते हैं, घी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बिलोने का दूध दूध है जी, क्रीम का नहीं निकाल के बिलोने का दूध, जो पुराना अपना बिलोने का सिस्टम होता था वो रखोगे तो आपको मुंह मांगी कीमत मिलेगी, आप कर सकते हो। जी हाँ बिल्कुल, दूध के साथ में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ आप इस काम को कर सकते हैं। एक और दर्शक है इस समय जो कि फोन लाइन पर मौजूद है, बात करना चाहते हैं। जी राम राम साहब। राम राम साहब, समीर जी कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। जी मैं राकेश चौधरी कुचामन सिटी से बोल रहा हूँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट से। जी राकेश जी, आभार आपका, पूछिए प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न यह है सर, जैसे कि अभी A1 A2 की कंट्रोवर्सी काफी दिनों से सुनने में आ रही है जी, तो इसमें क्या जो बकरी का और भेड़ का दूध है क्या वो A1 है या A2 है? पहला क्वेश्चन मेरा यह है जी। दूसरा ये कि जैसे अभी मैं सुन रहा था कि ये कह रहे ऑर्गेनिक दूध, तो जो पशुओं को हम चारा जो फर्टिलाइजर दिया है, चारा जो गेहूं की तूड़ी है, जो जिस तरह के चारे हम यूज करते हैं, तो क्या फिर वो दूध जो है वो ऑर्गेनिक बच पाता है? क्या हम उसको ऑर्गेनिक कर सकते हैं? जी हाँ, बहुत इसलिए है कि क्रॉस ब्रीडिंग से जो भी अपने यहाँ पे बकरी गाय जो है, क्या उनका दूध भी A1 या A2 में किस कैटेगरी में उसको रखा जा सकता है? आप सारे प्रश्न एक साथ ही पूछ लेना चाहते हैं राकेश जी, चलिए कोई बात नहीं। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए इनके प्रश्नों। इनके मोटे मोटे दो क्वेश्चन समझ में आए मेरे जी। हाँ। एक तो भेड़ और बकरी का क्या A2 है या A1 है जी? भेड़ और बकरी का दूध भी A2 ही है। और नंबर दो इन्होंने बोला ऑर्गेनिक। देखिए चारा अगर आप बाजार से ला रहे हैं, कुट्टी बाजार से ला रहे हैं, हरा चारा बाहर से ला रहे हैं, बांट बाहर से ला रहे हैं, तो डेफिनेट दूसरे लोग हैं उसमें यूरिया DAP पोटास ये डालते हैं। और अगर गाय को ये डाला हुआ आप खिलाओगे तो उसमें दूध में असर आएगा ही आएगा जी। इसलिए अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप ऑर्गेनिक चारा अपने फार्म पर ही पैदा करें, ताकि उसमें यूरिया DAP पोटास नहीं होगा, और आप अपने गोबर गोमूत्र से गायों के से ही अपना खाद बनाएं और वही खाद उनमें यूज करें, तो आपका दूध है वो डेफिनेट ऑर्गेनिक कहलाएगा, ऑर्गेनिक होगा जी। एक और दर्शक है सुरेंद्र जी जो कि बात करना चाहते हैं आपसे। जी राम राम साहब। हेलो जी। जी राम राम। जी राम राम जी। जी राम राम। राम राम। मैं आवाना जी से सवाल पूछना चाहूंगी कि मेरी एक गाय है, उसके गाय की बच्ची है जी, तो उसके दांत टूट रहे हैं जी, छोटी बच्ची है, तो आवाना जी से पूछना चाहूंगी कि उस बच्ची के दांत टूट रहे हैं तो क्या ये दांत वापस आ जाते हैं? आवाना जी बिल्कुल, ये जैसे अपने मानव में है वही करीब करीब सिस्टम इनमें पशुओं में है जी। और पुराने टाइम में तो जब ये खरीद प्रोक्त होती थी, गाय खरीदते थे, ऊंट खरीदते थे, तो दांत देखते थे, भाई दो दांत है, तीन दांत है जी, तो वही सिस्टम है। फिर भी आप आपके नज़दीक जो पशु चिकित्सालय है वहाँ डॉक्टर साहब से और भी फिर भी राय ले लें और उनकी राय के हिसाब से ही आप देखें। एक और दर्शक है जो कि फोन लाइन पर मौजूद है, काफी देर से प्रयास कर रहे हैं। जी राम राम साहब। राम राम सर। जी मैं सुरेंद्र जी अवाना से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इनका फार्म हाउस कौन से गांव में कैसे देखना चाहते हैं और गिर नस्ल की क्या पहचान होती है? जी सुरेंद्र जी, एक तो आपके यहाँ आना चाहते हैं और जानना चाहते हैं गिर नस्ल की पहचान क्या है। बिल्कुल आपका स्वागत है। जयपुर से 50 किलोमीटर दूर अजमेर रोड पे दूदू तहसील में ग्राम भैराना पंचायत बिचून है, हाईवे से 7 किलोमीटर अंदर है। आप मेरे को फ़ोन करके आ जाएं, नहीं भी आएँ तो मैं दिन भर करीब वहीं उपलब्ध होता हूँ, आप आइए, स्वागत है। रहा गिर नस्ल का, गिर नस्ल एक तो शांत स्वभाव की होती है जी, कलर ज़्यादातर थोड़ा लाल और थोड़े वाइट वाइट स्पॉट से होते हैं जी। सबसे बड़ी खास बात है इसके कान सबसे लंबे होते हैं और जो नीचे की जो कान के जो नुकिल है नीचे वाली वो टच रहती है जी। हेड इसका ऊपर से थोड़ा सा चौड़ा होता है और ब्रीड की वनस्पत, और सींग भी
थोड़े से घूमने के बाद पीछे की तरफ यूँ घूमे हुए हैं तो लुकिंग वाइज भी ठीक है, ये मोटी मोटी इसकी गिर नस्ल की पहचान। जी एक और दर्शक हैं इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। जी राम राम साह। राम राम साह जी, मेरा सवाल यह है ये जो गिर गाय का दूध है कितने दूध में कितना घी निकल जाता है? सुरेंद्र जी आप बात कर सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूछना चाह रहे हैं कि एक किलो घी कितने दूध में निकले। जी देखिए इसमें 4 से 4.5 तक फैट होती है जी, तो लगभग 20 से 22 किलो दूध आप जमाएंगे जी और उसको बिलोएंगे तो 1 किलो घी निकलेगा जी। लक्ष्मण जी, जिस तरह से गिर गाय के बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट हैं, क्या ऊँट के दूध से भी कुछ और प्रोडक्ट बन सकते हैं, जैसे दही जमना या कुछ और मिठाई बनना, क्या क्या संभव है? सर रसगुल्ले बनना, जैसे अच्छा। अपनी खीर बनती है जी, हमारे समाज में जब पहले शादियां होती थी ना, हाँ, तो सर यही खीर बनाते थे हम, ऊँट के दूध की, ऊँट के दूध की जी। और जैसे हमारे समाज के भी खाते हैं और हमारे मिलने जुलने वाले जो भी थे वो ये हम ऊँटी का दूध की खीर बना के खिलाते हैं सब, मतलब उसको बिल्कुल उसी तरीके से गर्म करके जिस प्रकार से अन्य दूध होते हैं उस प्रकार से उसे खीर बना के सबको खिलाते थे जी। सुरेंद्र जी आप तो दूध पर, डेयरी पर और इन पर काफी रिसर्च कर रहे हैं, ऊँटनी के दूध पर कुछ काम कभी काम किया आपने? क्या सोचते हैं ऊँटनी का दूध जो है आगे इसका क्या भविष्य है? देखो काम तो मैंने नहीं किया जी, हालांकि मेरे फार्म पे एक ऊँटनी है और उसका बच्चा है जी, लेकिन मैं झुंझुनू जिले में पैदा हुआ हूँ जी, 4 तक मैंने वहीं स्टडी की और मेरे दादाजी ऊँट और ऊँटनी रखते थे गाँव में और मैंने बचपन में दूध भी पिया है और खूब तेज दौड़ाते भी थे, जब चढ़ने जाती थी शाम को लाते थे, तो अनुभव मेरे को यह है बचपन में मैंने पिया है। हमारे भी जैसे लक्ष्मण जी बता रहे थे, दादाजी छोटे थे तो बुलाते थे आ जाओ दूध पिलाएं और फिर कहते कप में डाल के कि फटाफट पी लो नहीं तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे जी, तो हमारे भी ये रहता था कीड़े किस तरह के होते थे। एक रोज हमने छुपा के दूध को और थोड़ी देर रखा जी, तो कीड़े तो नहीं पड़े लेकिन आधे घंटे में वो थोड़ा सा फट गया, जल्दी खराब हो गया। इसका कारण मोटा मोटा ये है कि ये थोड़ा साल्टी होता है, नमकीन टाइप दूध, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है आदमी के, पहले तो पीते ही नहीं थे कोई। कई मर्ज की दवा बताते हैं ऊँटनी के दूध को, क्या क्या मर्ज हो सकते हैं वो? देखिए आजकल तो इसका दूध बड़ा पॉपुलर हुआ है जी हाँ, और कई बीमारियों में डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं और जयपुर में भी वैशाली में गांधी पथ पे एक सज्जन है जी, जो सुबह सुबह 2-4 लीटर लाते हैं और लोग वहाँ जाके 100 रुपये लीटर तक जी, जितना 100, 200, 400 ग्राम जो भी पीना चाहें 100 रुपये की रेट से वो पिलाते भी हैं जी, और मैंने भी बचपन में पिया है मोटा मोटा। आजकल कुछ जहाँ तक मेरी बातचीत हुई है ये डायबिटीज़ में सबसे अच्छा है जी, और नंबर 2 जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं जी हाँ, उनको पिलाने में और उनकी कोई एक मेडिसिन बनती है उसमें भी ये ऊँटनी का दूध यूज आता है जी। लक्ष्मण जी जब पहले तो आपके समाज के जो जितने भी लोग थे ऊँट पालते थे वो कई जगह काम आते थे, ऊँट लड्ढे में काम आता था, ट्रांसपोर्टेशन में काम आता था, इधर से उधर जाने में काम आता था, पर अब तो ये सब चीज़ें रुक गई हैं, अब खेती में भी काम आता था, अब ऊँट आपके सिवाय दूध के और किस काम में आ रहे हैं? सर अब तो खाली ये ऊँटनी का दूध है ना, ऊँट की कीमत तो कम हो गई, बिल्कुल कोई नहीं लेता जी, लेकिन ऊँटनी की डिमांड बढ़ गई जी, तो मतलब अब आपके पास में सिर्फ यही ऑप्शन बचा है कि आप इनके दूध को बेचें और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हाँ जी सुरेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए अभी सरकार ने ऊँट को राज्य पशु का दर्जा दिया है जी हाँ जी हाँ, और ये लक्ष्मण जी को भी पता होगा ऊँटनी जब ब्याती है जी तो साल भर में 3 किस्तों में 10,000 रुपये भी सरकार उसको देती है जी, इसलिए कि राजस्थान में ऊँट धीरे धीरे कहीं लुप्त नहीं हो जाए। अब आप देखोगे BSF के पास ऊँट हैं, धीरे धीरे BSF के भी बॉर्डर पे सड़कें बन गई, उनके पास भी दूसरे ऐसे व्हीकल आ गए, वहाँ भी धीरे धीरे कमी होती जा रही है। बाकी किसान के पास तो आज इतने ये साधन आ गए कि ऊँट धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन अब लक्ष्मण जी जैसे ही लोग हैं जी हाँ, जो इसको बचा भी रहे हैं, ब्रीडिंग भी कर रहे हैं और दूध का भी व्यवसाय कर रहे हैं। डेयरी पालकों की तरफ से मैं सुरेंद्र जी आपसे बात करना चाहता हूँ, डेयरी संचालकों की तरफ से आपको क्या उम्मीदें हैं, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जिससे कि ये उद्योग और फले फूले और लोगों तक शुद्ध दूध पहुँच सके? देखिए सरकार कहती तो है जी कृषकों और पशुपालकों की इनकम डबल करेंगे जी, कैसे करेंगे अभी तक तो मेरे समझ में नहीं आई पॉलिसी, लेकिन पशुपालकों की इनकम अगर सरकार बिल्कुल ना के बराबर पैसे खर्च करके भी अगर मदद करना चाहे
तो पशुपालकों की इनकम डबल हो सकती है जी। जो ये गौशालाएं होती हैं इनको 500 से 700 करोड़ रुपए सरकार देती है जी हाँ, गौ संवर्धन के लिए, गौ संरक्षण के लिए, संरक्षण नहीं उनको बचाने के लिए, बचाने के लिए, संरक्षण के लिए जी, संरक्षण के लिए सिर्फ, कि जैसे इंगोनिया में आप देख ही रहे हो क्या हाँ, बहुत सारी गौशालाएं उसके लिए उनको बचाने के लिए चारा पानी के लिए पैसा देती है। मैं ये कहता हूँ सरकार से कि हम जैसे डेयरी चला रहे हैं जी और 20 गाय से 100 गाय तक है, हमें पैसे की जरूरत नहीं है जी, हमें तो अच्छा सीमन दिला दो, अच्छे बछड़े या बुल दिला दो। इस पे सरकार कर रही है काम, सीमन भी दे रही है और बछड़े भी गुजरात से खरीद के राजस्थान सरकार दे रही है जी। लेकिन मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के दे दो, सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो 1 लाख का बुल खरीद रही है या 5 लाख का खरीद रही है, उसका सीमन जो टॉप का बुल है गुजरात से लिया उसका सीमन हमें दे दो जी, और अच्छे बछड़े लाके दे दो। अभी जैसे RLDB की योजना है जी, पशुपालन विभाग का ही पशुधन विकास बोर्ड है जी हाँ, मेरे फार्म पे भी वो योजना के तहत कुछ गायें चयनित की हैं जी, उसके वो अच्छा सीमन गुजरात से मंगवा कर दे रहे हैं NDDB का, और उस सीमन से जो बछड़े पैदा होंगे जी वो सरकार खरीदेगी 30,000 रुपये में और वो किसानों को देगी, और अगर फीमेल बछड़ी पैदा हो गई तो वो हमारे पास ही रहेगी। तो इस योजना को थोड़ा सा और प्रमोट करें जी हाँ, पूरे राजस्थान में हर नस्ल के अंदर इसको प्रमोट करें तो डेफिनेट सरकार पशुपालकों को बचा सकती है। एक से मेरा सरकार से और निवेदन है कि जैसे डेयरी है, डेयरी के साथ साथ एक देसी गायों का दूध भी उसी पैरेलल पे, या तो हम जो डेयरी वाले हैं उनको संगठित करके स्टार्ट करें या डेयरी के साथ साथ करें, देसी गाय के दूध को पैरेलल थोड़ा सा अलग से बेचना शुरू करें सही कह रहे हैं, तो भी पशुपालकों को इनकम ठीक हो जाएगी। ब्रेक के बाद एक और दर्शक के साथ हम लोग वापस आए हैं जी। राम राम साहब। राम राम जी, प्रश्न पूछिए। सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? हाँ जी सर जी, क्या पूछना चाहते हैं? सर हम पूछते हैं जी, गोबर और इनका होता है कहीं होता है? आप शायद पूरे नेटवर्क में नहीं है, आपकी आवाज हम तक कट कट कर पहुंच रही है। गोबर और गोमूत्र पे ये कुछ पूछना, गोमूत्र पे कुछ पूछना चाहते हैं? गोमूत्र अगर आपको समझ आ रही है आप जवाब दें जी। जहाँ तक मैं समझा हूँ जी, ये गाय के गोबर और गोमूत्र के बारे में जी हाँ पूछना चाह रहे हैं। देसी गाय का गोबर और गोमूत्र जैविक खेती करने के लिए बहुत बढ़िया है, मेरे फार्म पे भी मैं इसका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दोनों को मिला के बना रहा हूँ जी, और किसानों से मैं 7.5 रुपये लीटर गौमूत्र खरीद रहा हूँ जी, और एक गाय है वो लगभग 7-8 लीटर 24 घंटे में गौमूत्र देती है। अगर किसान एक्टिव रह के 5 लीटर तक इकट्ठा कर ले और 2 रुपये किलो गोबर जो 10 किलो के लगभग देती है, दोनों अगर सेल करता है, मैं भी लेने को तैयार हूँ या वो खुद भी बनाए, तो जब गाय दूध नहीं देती है तो उसका हरा चारा और उसके कुट्टी का पैसा है वो उसी गोबर और गोमूत्र से किसान को मिल जाएगा जी, उसे छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसको सड़क पे छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब गो संरक्षण अपने आप हो जाएगा जी। हाँ जी हाँ, सुरेन जी समय कम है, एक और दर्शक इस समय फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ जी। राम राम साहब। राम राम सर जी। हाँ, मेरे क्या ये घुटने में और शरीर में दर्द रहता है और क्या ब्लड की कमी आ जाती है, कौन सा दूध पिया जाए जी? लक्ष्मण जी कुछ कहना चाहेंगे आप? सर एज कितनी है आपकी? मेरी 35 ही है। 35 साल की उम्र है, उन्हें घुटनों में दर्द रहता है, क्या ऊँटनी का दूध उन्हें फायदा करेगा? हाँ सर करेगा जी। हाँ, आप चाहें तो ऊँटनी का दूध पी सकते हैं। सुरेंद्र जी आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल, देसी गाय का दूध है जी, उसमें कैलेस्ट्रोल भी बिल्कुल ना के बराबर होता है जी, और कैल्शियम हड्डियों के लिए खास तौर से अच्छा है, तो मैं समझता हूँ कि आप देसी गाय का दूध और उसके साथ जो भी उसके बाय प्रोडक्ट हैं, दूध है, दही है, छाछ है, पनीर है, घी है, आप सब लीजिए, हार्ट के लिए भी कोई डरने वाली बात नहीं है और शरीर के लिए भी हर तरह से बेस्ट है, आपकी हड्डी घुटनों के लिए भी अच्छा रहेगा। एक और दर्शक है जो बात करना चाहते हैं आपसे जी। राम राम साहब। राम राम जी। जी मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ रुक्मणी बिरला स्कूल में जी। मेरा नाम सुधांशु दादीच है जी, सुधांशु, जयपुर में हूँ, और मेरा सवाल है कि मैं क्या अपना
क्या अपना भविष्य डेयरी फार्मिंग में दे सकता हूँ? सुधांशु दादीज, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और तो पढ़ाई करो। नाइन्थ क्लास में अगर बच्चा सोचने लगे कि मैं अपना भविष्य दूध के या डेयरी उद्योग में बनाना चाहूँ, अच्छा विचार है, लेकिन फिलहाल आप पढ़ाई करें, जो ग्रेजुएशन कर लें, हायर एजुकेशन पूरी हो जाए, उसके बाद मिलें, तब हम आपको बताएंगे। जी हाँ सुधांशु, बहुत अच्छा, आपका आभार कि आपने फ़ोन किया और आपने एक प्रश्न पूछा। बच्चों को आजकल बहुत परेशानी रहती है, बहुत परेशान रहते हैं आजकल करियर के बारे में। ऐसे में जब दूध की बात होती है, मैं एक बार फिर से इसी पे प्रश्न पे आ रहा हूँ, लोग कहते हैं आपके गिर गाय का जो दूध है उसमें स्वर्ण तत्व पाया जाता है, वो काफ़ी चीज़ों में मददगार होता है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या रिकमेंड करते हैं आप इस दूध के साथ में? देखिए, ब्राज़ील वाले यहाँ उनके साइंटिस्ट और डॉक्टर रिसर्च करके देसी गायों पे और गिर को चुना, और गिर को ही वो ब्राज़ील ले गए जी। और आज जो ब्राज़ील जा रहे हैं, या मैं तो नहीं गया, लेकिन राजस्थान सरकार की टीमें गई हैं, प्राइवेट लोग जाते हैं, वो कह रहे हैं कि 30 से 40 तो वहाँ एवरेज दूध है जी, इसी गिर नस्ल के, और हाइएस्ट 60 से 70 लीटर तक दूध है जी। जूनागढ़ यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने रिसर्च करके इसके दूध में कुछ स्वर्ण तत्व पाए गए हैं, ये मैंने भी वीडियो और टीवी में ही देखा है जी। और उस हिसाब से यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, तो सत्य ही है जी। हाँ, कुछ ना कुछ तो होगा, तभी बात हुई है। एक और दर्शक है जो इस समय बात करना चाहते हैं आपसे। जी राम राम साहब। जी राम राम जी, राम राम जी, प्रश्न पूछिए जी, प्रश्न पूछिए, सुन पा रहे हैं हम आपकी आवाज को, समय बहुत कम बचा है। हाँ सर, हमें अवाना जी के नंबर चाहिए थे और उनका एड्रेस चाहिए था सर। जी हाँ बिल्कुल, आपको अवाना जी का नंबर मिलेगा और उनका एड्रेस भी मिलेगा। मैं चाहूंगा एक बार अवाना जी आप अपना नंबर बोल दें, जिससे कि नोट कर ले। हाँ लिखिए आप, 9462299999। जी हाँ, आप इस नंबर को नोट कर सकते हैं। और कल एक बार फिर से ये कार्यक्रम दोबारा से रिपीट किया जाएगा इसी समय पर, 6 से 7 के बीच में। अगर इस समय नोट कर नहीं कर पाए हों तो कल एक बार दोबारा इसको नोट कर लीजिएगा। लक्ष्मण जी, आपने कहा कि ऊँट का दूध एक तरह से बहुत सारी बीमारियों में कई सारे मर्ज की दवा है, परंतु शहर जैसी जगह में, मतलब जयपुर जैसी जगह में जहाँ वाटिका में आप रह रहे हैं, वहाँ इन ऊँटों को चराते कहाँ हैं? ये ऊँट बचेंगे कैसे, क्योंकि इसके अलावा तो ऊँट और का कोई काम आ नहीं रहे, खाली दूध में अभी समय लगेगा, कैसे बचा पाएंगे इन ऊँटों को? सर समस्या यही सामने आ रही है जी। वन विभाग में पहले बोले कि ऊँट खुले जंगल में चर सकते हैं, लेकिन वन विभाग वाले तो बोलते हैं, पहले तो वसुंधरा जी ने बोले थे भाई जंगल खुल जाएंगे जी, फिर अब वो जंगल अभी नहीं खुल रहे हैं। अब जंगल में जाते हैं तो वन विभाग वाले नहीं चरने देते हैं जी, तो ये चराने की बहुत समस्या है हमारे सामने जी। इसका हाँ, समाधान अगर गवर्नमेंट कर दे तो अच्छी बात है जी। हाँ, यही एक समस्या है जो कि सामने आ रही है कि राज्य पशु को जिसे हम राज्य पशु कहते हैं, घोषित तो कर दिया सर, लेकिन इसको चराने, लेकिन उसे चरने की जगह नहीं मिल रही, बड़ी विडंबना है। एक और दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी राम राम साहब, सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? हेलो जी। जी सर नमस्ते। नमस्कार जी सर। सर मेरे को अवाना जी सर से बात करनी थी जी। अवाना जी मौजूद हैं, सुन पा रहे हैं आपकी आवाज को, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि ये जो डेयरी फार्मिंग है, ऑर्गेनिक सेक्टर है जी, इसमें एक पढ़ा लिखा युवा एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को कैसे और प्रमोट कर सकते हैं? जी हाँ, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो अवाना जी खुद आपके साथ। पढ़ा लिखा हूँ जी और एजुकेशन लाइन का ही आदमी हूँ, तो पढ़ा लिखा आदमी तो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक और हाइजीनिक कर सकता है और उसको अच्छी कीमत मिल सकती है, वो बिल्कुल साफ सुथरे और नई तकनीकी से करेगा जी, तो उसको अच्छा फायदा होगा। बिल्कुल मैं हेल्प करने को तैयार हूँ, कभी भी आप मेरा फार्म देखें, मुझसे फ़ोन पे बात करें। जी हाँ अवाना जी, जब एक पढ़ा लिखा आदमी इस तरह के काम को करता है तो वाकई उसके जो रिजल्ट्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, उसकी सफलता का रेशियो लगातार बढ़ता जाता है। एक और दर्शक हैं इस समय जो कि फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जी राम राम साहब। हेलो जी राम राम साहब। राम राम सर, हमें थोड़ी जानकारी चाहिए सर डेयरी संबंधित के लिए, क्या बैंक से क्या फाइनेंस है? जी हाँ, ये सबसे बड़ा प्रश्न है साहब। सुरेंद्र जी देखिए, एक तो नाबार्ड किसी भी नेशनलाइज बैंक से आप 10 गायों के लिए फाइनेंस करा सकते हो, टीन सेट के लिए, और मिल्किंग मशीन है और बॉटलिंग मशीन है, इसके लिए टोटल आप 1 करोड़ तक का बजट बना के फाइनेंस करा सकते हो, गायें इसमें 10 ही हैं, और बाद में 25% नाबार्ड की तरफ से इसमें सब्सिडी है जी। एक गोपालन विभाग की योजना भी है जिसमें 30 गायों तक आप अप्लाई कर सकते हो, और उसके अंदर भी
सब्सिडी है, तो इन दोनों से आप फाइनेंस करवा के डेयरी उद्योग प्रारंभ कर सकते हैं। जी हाँ, समय की बहुत कमी है, समय लगातार बीतता जा रहा है। लक्ष्मण जी कुछ कहना चाहते हैं। जी लक्ष्मण जी। सर, हमारी यही एक रिक्वेस्ट है सरकार से कि इन पशुपालकों को गवर्नमेंट ये व्यवस्था कर दे कि भाई इनसे क्या नुकसान होता है, ये तो पत्ते खाती है जी, ये तो है नहीं, बस किसी को डिस्टर्ब करती है। जी हाँ, ये रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से। जी हाँ बिल्कुल, आपकी रिक्वेस्ट, आपकी जो चीज़ है वो एवन टीवी के माध्यम से प्रयास करेंगे हम सरकार तक पहुँचे, जो इस चीज़ में आपको फ़ायदा कर सकते हैं उन तक पहुँचे। सुरेंद्र जी बिल्कुल अंतिम समय में है, आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो एक ये जो आप वाली बात थी लक्ष्मण जी वाली, अभी कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में जो गोचर भूमि है उसका विकास बोर्ड ने की बोर्ड बनाने की एक योजना बनाने जा रही है शायद जी, अभी तक ये चुनाव की वजह से डिले हो गई होगी, अपने मैनिफेस्टो में भी लिया था। अगर ऐसा बन जाता है तो मैं समझता हूँ कि पशुपालकों के लिए ये बहुत अच्छा होगा जी। और एक मैं पशुपालकों को ये कहना चाहूँगा कि कुछ हरा चारा जी जो एक बार लगा दो आप 20-25 साल तक चलता है उस तरह का चारा लगाओ, क्यों किसान भी है आलसी हो गया है जी कि बार बार 3 महीने में लगाओ फिर नए सिरे से बुआई करो। तो इसमें मैं सुझाव दूंगा उनको, एक तो अजोला है जी जो लंबे समय तक चलता है, नंबर 2 पे सहजना है जी, आप इसकी फली आप भी ले लो, गायों के लिए बहुत पौष्टिक है ये, नीम है, अरड़ू है, सैतूत है, आजकल एक नई खेजड़ी ईजाद की है बीकानेर राष्ट्रीय शुष्क बागवानी मिशन वालों ने जी, वो खेजड़ी कि कांटे नहीं होते हैं तो वो भी आप इनके साथ सबको कुट्टी काट सकते हो जी। तो ये जो सीजनल आपके बाजरा जवार मक्का है जई है कासनी है ये तो समय समय पर होती है ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये 5-7 तरह के पेड़ हैं आप परमानेंट खेत की बाउंड्री पर लगा दीजिए और इनको 5-5, 4-4 किलो सबका मिक्स करके कुट्टी काटिए, तो ये पशुपालकों के लिए एक बहुत अच्छा कार्य होगा और 12 महीने पशुओं को हरा चारा मिलेगा जिससे कि दूध की क्वालिटी हमेशा अच्छी रहेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, आप आज हमारे साथ स्टूडियो में पधारे, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। हालांकि एक घंटे का समय इस बड़े सब्जेक्ट पे बहुत कम पड़ता है, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से आपको दोबारा बुलाएंगे फिर इस बात पे विषय पर चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी कि आपने बताया कि किस प्रकार ऊँट के दूध में क्या क्या खास बात है और किस प्रकार से इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी किसान भाइयों का, उन सभी लोगों का जिन्होंने आज हमें फ़ोन किया और फ़ोन करके हमसे बातें की। मैं धन्यवाद उन लोगों का भी देना चाहूँगा जिन लोगों ने फोन करने का प्रयास किया परंतु हमारे से संपर्क नहीं हो पाया। अगली बार आप फिर से ट्राई कीजिएगा, फिर से हम लोग आपके साथ बात करेंगे क्योंकि यह हमारा वादा है कि अगली बार फिर हम हाजिर होंगे आज ही के दिन आज ही के समय किसी नए सब्जेक्ट पे कुछ नए एक्सपर्ट्स के साथ। तब तक देखते रहिए एवन टीवी।